हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी धाकड़ चल रही होगी। सो गाइस, फटाफट आ जाइए, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी आई थिंक, और सबको हाय अर्पिता, हेलो फ्यूचर फ्यूचर बैंकर, ओके, हाय संगीता, हेलो वीएस, प्रेमा पाटिल, हेलो, हाय, गुड इवनिंग। और दोस्तों, आज ये फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। और गाइस, आपको बता दें कि आपका जो सेशन चल रहा था वो रात के 10 बजे वाला सेशन, और जो कौन सा सेशन था, तो आरआरबी, यानी कि जो हम लोग मॉक लेके चल रहे थे, आरआरबी क्लर्क, तो आरआरबी क्लर्क वाला अभी चलेगा। आरआरबी क्लर्क मेंस वो आपका एज इट इज चलना है जब तक आपका मेंस नहीं हो जाता। ठीक है दोस्तों, आपने अभी देखा, अभी बैक टू बैक जितने भी एग्जाम हुए, ठीक है, जितने भी एग्जाम हुए, चाहे वो आपके रहे हो आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस या फिर एसबीआई क्लर्क मेंस की बात करें, इन दोनों में कह सकते हो बिल्कुल जीए में अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिले मेरे भाई, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, नहीं जिसका कोई उम्मीद नहीं कर सकता, जो हम लोगों ने तैयारी किया था, जो हम लोगों ने स्ट्रेटजी बनाई थी, उसके बिल्कुल परे देखने को मिला मेरे भाई। सेम आने वाले एग्जाम्स में जो हमारा आरआरबी का है, आरआरबी क्लर्क मेंस है, इसके लिए भी यही उम्मीद लगाया जा रहा है, यही क्यास लगा रहे हैं लोग कि जो पढ़ रहे हैं कहीं ऐसा हो कि यही पूछेगा, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि फिर से उठा के पटक दे 2014 का नोबेल उठा के पूछ ले, या फिर 2004 की एक बुक उठा के पूछ ले। लेकिन मेरे दोस्त, हम लोग अपनी तैयारी से नहीं हो सकते। हमने क्या बोला, थोड़ी सी सुगबुगाहट में हम लोग को अपने आप को नहीं बदलना मेरे भाई। ठीक है, हाय प्रवीण, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे भाई, फटाफट आ जाओ सबके सब लोग। और हम लोग आज गाइस, आज का जो सेशन है, आज हम लोगों के लिए कह सकते हो एक प्लस चीज, प्लस पॉइंट ये है कि हमारा एसबीआई का नोटिफिकेशन आ गया। और दोस्तों, कल से एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा फिल होना, और आप देख सकते हो। और दोस्तों, यहां पर एक कह सकते हो एसबीआई पीओ अपने में एक बहुत बड़ा ओहदा होता है। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि एसबीआई पीओ बनना, नया पीओ बनना, कोई सा भी हो, किसी कहीं पर भी हो, पीओ के लिए स्टार्ट यानी कि बहुत जरूरी चीज हो जाती है। ठीक है, So guys, आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता होगा, जैसे हम लोग डेली ये बात करते हैं, भाई एक बारी सेशन को लाइक और शेयर का बटन प्रेस कर देना, और जो हमारे नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ठीक है, ताकि उनको लाइव नोटिफिकेशन मिलता रहे क्लास की, सभी क्लासेस की। ठीक है, एंड दोस्तों बात करें ये कि आपको पता ही होगा, जैसा कि हम लोग हमेशा से बात करते आ रहे हैं, ये और ये कोड आपको याद करना, Y307। ठीक है, अब बात करते हैं जीए के प्रिपरेशन की। दोस्तों, जीए के प्रिपरेशन की बात करें, ठीक है, ओके, सो गए सब, ओके फ्यूचर, ओके, आप भी सो जाओ, अगर सोना है तो आप भी जा सकते हो। ठीक है, गुड इवनिंग बैंकिंग एस्पिरेंट्स, गुड इवनिंग, हाय देवी, गुड इवनिंग बच्ची, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सौरभ सर। ठीक है गाइस, जीए की बात करें, जनरल अवेयरनेस की बात करें, इसमें तीन चीजें ध्यान रखनी है। क्या तो आपको यहां पे देखा, हाउ मेनी मंथ ऑफ करंट अफेयर। दोस्तों, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा इस बार का, इस बार के एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पॉइंट आउट किए गए। कह सकते हो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का कमेंट्स भी आ रहा था, कितने मंथ के करंट पड़े, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है भाई, क्या करना है, क्या नहीं करना है, करंट जो पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं एग्जाम के लिए, ये सारा चीज यहां पे मैटर करने लग रहा है। और टॉपिक विल बी कवर, टॉपिक क्या क्या कवर करना है। आपने देखा होगा कि इस एसबीआई क्लर्क मेंस में आपने देखा होगा, इसमें क्वेश्चन आया था क्या, तो कंपनीज एक्ट से क्वेश्चन पॉइंट आउट किए गए थे दोस्तों, शेयर से क्वेश्चन पॉइंट आउट किए गए थे, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने वाला है। ठीक है, राधे राधे आने वाले थे, ओके, गुड इवनिंग मिस्टर विशाल सर, गुड इवनिंग पूजा मैम। ठीक है, ठीक है, सो गाइस आपको यहां पे बता दें, हाउ मंथ एंड वाई, करंट अफेयर की बात करें, करंट अफेयर कितने महीने और क्यों। तो दोस्तों, यहां पे सबसे बड़ी बात जो हम लोग हमेशा से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो दोस्तों यहां पे हमने यहां पे एक पॉइंट लिख के आए हैं, क्या, 4 मंथ। तो दोस्तों, ये आपको बता दें, करंट अफेयर एक्चुअली में दो पार्ट में डिवाइडेड, यानी 2+4, यानी टोटल मिला के 6 मंथ। लेकिन दोस्तों, आपको सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें कितने मंथ होगा, तो 4 मंथ सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए लास्ट, यानी जिस मंथ में आपके एग्जाम है, सपोज दैट जिस मंथ में आपका एग्जाम है, उससे लास्ट, यानी 4 महीने जो आपके होंगे वो बहुत क्रूशियल और बहुत सीरियस, यानी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी के 2 मंथ है, ऐसा नहीं है 2 मंथ पढ़ना नहीं है, इसको पढ़ना है, लेकिन लास्ट के जो 4 मंथ आपके एग्जाम के डेट से जो 4 मंथ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ये याद रखना है आपको यहां पे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है करंट अफेयर्स के लिए। और दोस्तों, करंट अफेयर वो सबसे ज्यादा, आप अगर हम बात करें, लोगों का क्वेश्चन आता है कि क्या करंट अफेयर बस रीड करना है, तो दोस्तों रीड करना ही तो अब छोड़ दो, अब वो बैंक भी क्वेश्चन ही आता। हम लोग कहते हैं जैसे यूपीएससी के एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल बेस्ड करंट अफेयर आता था, यूपीएससी के एग्जाम में एक ऑफ क्वेश्चन देता था, 4 ऑप्शन लंबे लंबे दे देते थे, और उसमें बोलता था ये सही है, ये गलत है, दो एक और बी, ए और बी सही है या ए बी सी तीनों सही है, ऐसे क्वेश्चन आता था।
लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात अब ये, अगर हम बैंकिंग जो आरआरबी का क्वेश्चन उठा के देखें या फिर एसबीआई क्लर्क क्वेश्चन उठा के देखें, इन सब के जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरे भाई ये बिल्कुल इस पैटर्न से बिल्कुल परे हैं। पहले जो क्वेश्चंस पॉइंट आउट किया जाता था डायरेक्ट, वो डायरेक्ट नहीं देखने को मिलते हैं। अब आपका आपने देखा होगा, गौर किया होगा, आपने देखा होगा हम लोग ये पढ़े थे कि भैया ओलंपिक में जैवलिन थ्रो वाली बात की गई थी, ओलंपिक में जैवलिन थ्रो की बात की गई थी और जैवलिन थ्रो में हम ये कर सकते थे, ठीक है, जैवलिन थ्रो में ये बात कर रहे थे कि हम लोग की भाई क्या कि ओलंपिक जैवलिन थ्रो में कौन जीता, चलो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हम ये कर सकते थे कितने मीटर का भाला गया था, यानी कितना मीटर जैवलिन गया था जो रिकॉर्ड क्रिएट हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट था। किस ओलंपिक में, ये भी इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन क्या पूछा एसबीआई क्लर्क मेंस में, क्वेश्चन ये पूछ लिया, देखो बिल्कुल अलग क्वेश्चन, क्वेश्चन ये आया कि भैया ये जो जैवलिन होता है, जो भाला होता है, इसका मिनिमम वेट कितना होता है। गाइस आई थिंक हम में से आप में से बहुत सारे, बहुत कम लोग जानते होंगे 800 ग्राम, ठीक है 800 ग्राम। तो गाइस ऐसा क्वेश्चन जो आपका है ये बिल्कुल अंदर से घुस के पूछा जा रहा है। अगर हम सोचे वो डायरेक्ट वाला क्वेश्चन, वन लाइनर वाला क्वेश्चन, टू द पॉइंट वाला क्वेश्चन, तो वैसे करंट अफेयर अब नहीं आ रहे मेरे दोस्तों। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है और ये चीज आपको एसबीआई में पीओ मेंस में ये फॉलो करना पड़ेगा। ये चीज अभी से तैयारी करो। अगर ये कोई जो दोस्त हमारे देख रहे होंगे कि उनके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अभी प्री हुआ नहीं, फॉर्म भरा नहीं, आप मेंस की बता रहे हो, बेटू आपको बता दें सबसे बड़ी बात, आपको आज यानी जिस दिन से फॉर्म भर रहे हो उसी दिन से तैयारी करनी होगी अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए एसबीआई पीओ मेंस में, तो ठीक है। सो गाइस आपको ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। आपको बता दें बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन आया था कि जेवलिन थ्रो यानी जेवलिन जो है उसका वेट कितना होता है, तो 800 ग्राम ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। बताओ वाहिया टाइप के जो डेप्थ में पूछ रहा है, अगर कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसका ऊपर नीचे इतिहास भूगोल सब पढ़ना पड़ेगा आपको। तो अब ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा फ्यूचर बैंकर सर आपने जो पढ़ाया वो सब एसबीआई वालों ने देखा होगा, ठीक है, इसलिए उन्होंने वो डाला जो आपने नहीं पढ़ाया। अच्छा ओके ठीक है। अच्छा किसने पढ़ाया था जैवलिन का वेट, किसी ने पढ़ाया होगा, कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि बैंक के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं और टॉपिक विल बी कवर्ड, क्या क्या कवर करना है, तो आई थिंक सबको पता होगा जीए की अगर हम बात करें दोस्तों, जीए में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, तो वो आपके सामने है यहाँ पे, बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस। दोस्तों ये हम लोगों ने, आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे सेम तरीके से, जैसे हमने आपको डिस्कस किया था स्टैक वाला, आईसीआईसीआई वाला ना मर्चेंट स्टैक, ये क्वेश्चन पॉइंट आउट हुआ था, ये हम लोगों ने फाइनेंशियल अवेयरनेस में, क्योंकि फाइनेंशियल अवेयरनेस लास्ट 6 मंथ का हम लोगों ने अपडेट कर लिया था पूरी तरीके से, एक एक क्वेश्चन, और पहले हमने मंथली डिस्कस किया, देन उसके बाद पूरा मैराथन वाले सेशन में हमने डिस्कस किया, तो आपने देखा होगा। बैंकिंग अवेयरनेस में दोस्तों, बैंकिंग अवेयरनेस दो ही कहते हैं, अगर हम बात करें अगर कहीं और देखोगे आप तो बैंकिंग अवेयरनेस कहा जाता है दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है गाइस स्टैटिक बैंकिंग, एक होता है स्टैटिक बैंकिंग और एक होता है करंट बैंकिंग। हम लोग क्या बोलते हैं, एक होता है स्टैटिक बैंकिंग और एक होता है करंट बैंकिंग। स्टैटिक बैंकिंग जिसको हम लोग प्रॉपर वही आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बजट इन्फ्लेशन मनी मार्केट वो सब हमारे स्टैटिक बैंकिंग में आते हैं। लेकिन दोस्तों आपने भी देखा होगा कि जैसे एचडीएफसी ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट लाया, ये हमारा क्या होगा, ये करंट बैंकिंग है, जिसको हम लोग किस नाम से भी बोलते हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस के नाम से भी बोलते हैं हम अपने लैंग्वेज में, हम और आप अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो दोस्तों ये दोनों चीजें क्रूशियल हो जाती है हमारे लिए जीए में, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस वाली बातें। ये चीजें दोस्तों इसकी जो जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि अगर आप अभी एसबीआई का नोटिफिकेशन उठा के देखो और इसके सिलेबस को पॉइंट आउट करके देखो, इसके सिलेबस में क्या लिखा है कि भैया करंट अफेयर्स स्लैश बैंकिंग अवेयरनेस ऐसे करके लिखा होगा, लेकिन आपको बता दें वहां से गिने चुने क्वेश्चंस आपको पूछने को मिलेंगे, ठीक है, गिने चुने क्वेश्चंस मिलेंगे, बशर्ते इसको फोकस तो करना ही है भाई, अगर सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा हम लोगों ने, और बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। और टॉपिक हम बताते हैं कहां से, करंट अफेयर की बात हम लोगों ने कर लिया दोस्तों, लास्ट 2+4 ऐसे चलेगा, लास्ट 4 मंथ का इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रही बात स्टैटिक, गाइस स्टैटिक आपको बता दें, स्टैटिक ने अपने आप को बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया, आप जो भी स्टैटिक आ रहे हैं वो करंट बेस्ड आ रहे हैं, करंट बेस्ड आ रहे हैं। जैसे सबसे कॉमन क्वेश्चन अगर हम उठा के पूछे, अभी जो एग्जाम हुए आपके एसबीआई क्लर्क मींस एसबीआई को फोकस कर रहे हैं, क्लर्क को टारगेट बना रहे हैं, इसलिए क्योंकि पीओ है ये, तो क्लर्क को ही बात करें क्योंकि क्लर्क इजी होता है पीओ से। अगर हम इसकी बात करें तो आपको बता दें एसबीआई क्लर्क मींस में
ठीक है, एसबीआई क्लर्क मेंस में कोई क्वेश्चन ही नहीं आए थे जी स्टैटिक से। लेकिन दोस्तों हमें इसे छोड़ना नहीं है, पढ़ना भी है तब भी पढ़ना है, क्यों? क्योंकि बेटू ये हमारे लिए क्रूशियल होगा, इंपॉर्टेंट होगा। और आपको बता दें सारे स्टैटिक आपके किससे रिलेट होंगे, तो ये आपके करंट अफेयर से रिलेट होंगे सभी के सभी। अगर आप सोचो अलग से इसको पढ़ लें तो दोस्तों अलग से वो वाला आपको बता दें जो हम अभी टॉपिक लिख के आए हैं, दिखाएंगे हम आपको टॉपिक इसके आगे स्टैटिक जीके के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो सारी चीजें हम आपसे बताएंगे। लेकिन उसमें भी करंट को रिलेट करना है। जैसे कि एग्जांपल समझो आप कॉमन से, अभी आपने देखा एमओयू होता है, एग्रीमेंट होता है, किसी स्टेट को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पैसा दिया। लेकिन दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर, इसके हेड कौन है, ये सारी चीजें किसमें काउंट हो जाएंगी, स्टैटिक जीके में। लेकिन न्यूज से रिलेट रहा है तब। अभी इसको हम आपको यहां पर क्या करेंगे, अभी जो सेशन चलेगा इसके आरआरबी के बाद, आरआरबी क्लर्क मेंस के बाद, ठीक है, इसके बाद जो हम सेशन लेके आएंगे उसमें हम मंथ वाइज आपका स्टैटिक अवेयरनेस कराएंगे, मंथ वाइज स्टैटिक अवेयरनेस भी करवा देंगे और मंथ वाइज बैंकिंग भी करवाएंगे, मंथ वाइज करंट भी करवाएंगे, बकायदा रीड करवा के एक एक चीज। क्योंकि ये जैसे ये जैवलिन वाला क्वेश्चन आया था, ऐसे क्वेश्चन जो होंगे डेप्थ में घुस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गाइस ये सारी चीजें हैं। अब आपको बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक की बात करें, बैंकिंग और फाइनेंशियल, ये आई थिंक आपको हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस किया था, हमने आपको बताया था इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री कहने को है, लेकिन टाइप्स ऑफ अकाउंट, लोन, एटीएम, ये सारे क्वेश्चन पॉइंट आउट किए जाते हैं दोस्तों। आरबीआई से रहा है, ये सारे आरबीआई के अंडर में आएंगे। नाबार्ड, हम लोग ने कोई क्वेश्चन इसमें स्किप नहीं किया था, चाहे वो एमसीक्यू के फॉर्म में हो, चाहे हम लोग थ्योरेटिकल यानी कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में हो, वो सारी चीजें हम लोग ने डिस्कस कर रखा था। आरआरबी मेंस शीतल मैम कल रात में होगा बच्चे क्लास, आरआरबी क्लर्क मेंस की क्लासेस कल रात से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और दोस्तों नाबार्ड वाली बात, आपको नाबार्ड अभी जिन न्यूज में रहता है तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मनी मार्केट, ये सारा चीज हम लोग आपसे डिस्कस कर रखे हैं पहले भी, ठीक है। इसमें कैपिटल मार्केट, ये भी हम लोगों ने अपडेट कर रखा है ऑलमोस्ट चीजें, एनपीए, ये पूरी तरीके से हम लोगों ने पढ़ रखा है ये सभी चीजों को, बजट। दोस्तों सबसे बड़ी बात इस बार का बहुत सरप्राइजिंग चीज है कि इस बार के एग्जाम में बजट आया ही नहीं देखने को। आप देखोगे चाहे वो आईबीपीएस आरआरबी, अगर हम बात करें चाहे वो आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस की बात हो, पीओ मेंस की बात हो, इसमें भी देखने को नहीं मिला। और एसबीआई क्लर्क मेंस की बात करें तो क्लर्क मेंस में भी ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। लेकिन दोस्तों ये हम नहीं कह सकते कि अगर दो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया तो इसमें हम लोग ये भी नहीं आएगा, जरूरी नहीं, बट इसको भी हम लोग को अपडेट रखना है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो भी पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा एलोकेशन, एलोकेशन। ऐसा नहीं कर सकते कि हम क्वेश्चन नहीं आया था, क्वेश्चन आया था, लेकिन 2020 के बजट से क्वेश्चन आया था एफपीओ वाला। तो दोस्तों ये चीजें ध्यान रखना आप लोगों ने, एलोकेशन से क्वेश्चन आएगा, और जरूरी नहीं ना आए, हम ये भी नहीं कह सकते आएगा ही, लेकिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम अपनी रणनीति को चेंज नहीं कर सकते, स्ट्रेटजी को बदल नहीं सकते, यहां से ये ध्यान रखने वाली बात है हम लोगों ने, ठीक है। अब आते हैं स्टैटिक अवेयरनेस। दोस्तों ये कॉमन चीजें बनती हैं आपके लिए, बैंक हेडक्वार्टर्स, ये तो सबसे बेसिक वाला पॉइंट था जो हम लोग स्टैटिक में आज भी फॉलो करते हैं, लेकिन वो करंट से रिलेट हो जाएगा। अब बैंक हेडक्वार्टर में आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आ जाएगा। अब किसको ये स्मॉल फाइनेंस बैंक न्यूज में है तो उसको भी क्वेश्चन हेडक्वार्टर पूछ लेगा। बैंक टैगलाइन, ये बैंक जरूरी नहीं बैंक टैगलाइन हो, कोई कंपनी या किसी का टैगलाइन भी पूछ सकता है, ठीक है, या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक का टैगलाइन पूछ सकता है। यहां पे कैपिटल करेंसी, जो कंट्री एमओयू कर रही है या फिर किस किस कंट्री में दौरा है या कोई इवेंट हो रहा है, ठीक है, वो सारी चीजें यहां पे हैं। नेशनल पार्क, ये दोस्तों ये भी करंट के ऊपर बेस्ड है, जैसे रायमोना हुआ, राजा जी नेशनल पार्क हुआ, अभी वहां पे पेड़ कटिए न्यूज में था, नागरहोल नेशनल पार्क न्यूज में है, देहिंग पटकाई न्यूज में है, कूनो न्यूज में था। तो गाइस ऐसे चाहते तो क्वेश्चन पूछा जा सकता था, लेकिन ये देखने को नहीं मिला, बसरते हम ये नहीं कह सकते क्वेश्चन नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, अभी भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो आपके एग्जाम्स हैं आने वाले उसके लिए आप तैयार रहो इन सारे क्वेश्चन के लिए, इन सारे टॉपिक के लिए। फोक डांस, एयरपोर्ट, स्टेडियम, इंपॉर्टेंट डेज, आप बताओ, ये सब बेसिक क्वेश्चन होते थे, लेकिन हम वही बात बार बार बोल रहे हैं कि एसबीआई क्लर्क में ये सारी चीजें देखने को नहीं मिली, ठीक है। सृष्टि मैम बताते हैं बच्चे, डोंट वरी, अभी सब अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। और रिवर विद सिटी, जो एसबीआई के सेशन में एसबीआई की बात करें, ये सारे क्वेश्चन आते हैं एसबीआई में, ये तो सबसे मेन होता था, ये तो पूछा भी नहीं गया। और न्यूक्लियर एंड थर्मल, ये आपका एसबीआई क्लर्क का सबसे पेट क्वेश्चन हुआ करता था, इसमें भी नहीं आया क्लर्क में, क्योंकि इन लोगों ने इस बार कह सकते हो एक्सपेरिमेंट। दोस्तों आपको पता है हम लोग बात कर रहे थे सभी लोग, तो हम लोगों ने ये सामने ये बात हुआ कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि एनआरएस सीईटी को फॉलो कर रहे हैं ये लोग, एनआरएस सीईटी को फॉलो कर रहे हैं ये लोग। दोस्तों यही वाली बात है, ये कहीं वही डर तो नहीं इस लोगों को सटा रहा है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं ये वही वाला पैटर्न आ गया एनआरएस सीईटी वाला,
ठीक है। तो दोस्तों ये थोड़ा डरावनी बात है यहां पे कि अगर ऐसा रहा, ऐसा पैटर्न आएगा तो आने वाले दिनों में भैया टफ होने वाला है। बिना स्ट्रेटजी, बिना मेहनत के नहीं होने वाला। जो लोग हमारे दोस्त तैयारी करते थे और थोड़ी सी तैयारी में हमारा प्री निकाल लेते थे, तो दोस्तों अब आप लोग सतर्क हो जाओ। अगर आपको सच में चाहिए कि एक्चुअल जॉब आपको चाहना है ठीक है इस साल, तो दोस्तों इसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इसको फोकस करना पड़ेगा। जो पैटर्न आ रहा है उससे भाग नहीं सकते हम दोस्तों। ये करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हम लोगों ने अभी इस बार, ये बिल्कुल पूरा पैटर्न हमारा SBI क्लर्क को फॉलो कर रहे हैं। वैसे क्वेश्चन हमने वहां पे टॉपिक पॉइंट आउट कर रखे हैं, चाहे वो जो भी हो, MOU एग्रीमेंट, लोन हो, बुक एंड ऑथर देखो आपका आया ही था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आया था, निर्विक वाला याद होगा आपको, निर्विक वाला इवेंट था जो ऐप या फिर प्रोग्राम था ठीक है। टेम्पल नेम ये पूछा तो नहीं गया, लेकिन फिर भी इसको डालना है, न्यूली अपॉइंटेड CM एंड गवर्नर। तो CM गवर्नर और अपॉइंटमेंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे आपने नाम सुना होगा अपॉइंटमेंट, आपका क्वेश्चन राजेश झुनझुनवाला क्वेश्चन आया था, तो ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ऐसे पॉइंट्स जो अपडेट रखने हैं। अब रही बात सोर्स की, अब आपको लगेगा कि सर सोर्स की बात है तो आप अपना ही नाम लोगे। एग्जैक्टली अपना नाम लेंगे बाबू, हमको लेना भी है अपना नाम, क्यों? क्योंकि हमें अपना बताया दूसरे का नहीं पता ठीक है। अगर हम ऑनेस्टली बात करें तो ऑनेस्टली में बहुत सारे नाम आ जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपको मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग इसके लिए कोई कहने की बात ही नहीं है। रही बात GA और कंप्यूटर, तो कंप्यूटर तो नाम मात्र का है, GA की बात करें तो GA में सर यार दो लोग हैं, आशीष सर हैं जो करंट अफेयर डेली डिस्कस करते हैं, हम आपके जो रात में 10 बजे वाला सेशन लेके आते हैं वहां पर जितना हो सकता है सारा कुछ अपडेट कर रहे हैं हम लोग आपसे ठीक है। आपको हम आपसे इनफैक्ट ये भी बोलते हैं जो आपको पढ़ना है वो आप कमेंट में बताओ, वो सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यहां पे गाइस। इसके लिए आपको बता दें अड्डा का डेली जो नोट डाउन करो आप करंट अफेयर और डेप्थ में पढ़ो। अगर सर नहीं बता रहे तो आप बोलो कि सर और डेप्थ में बताओ, कि आप कॉमन क्वेश्चन जो भी बनते हैं उससे कहानी सुन के आपको याद रहे। और रही बात दोस्तों द हिंदू का, तो आपका एडिटोरियल तो चलता ही है, सर तो लेते ही इंग्लिश वाले, आप ये देखो और उस एडिटोरियल में वो चीजें ध्यान रखो दोस्तों जो वो नेशनल पेजेस हैं, या फिर अगर आप ले रहे हो, आप डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हो, तो आपको स्पोर्ट्स, वर्ल्ड और बिजनेस, ये सारे पॉइंट्स आपको, सारे एडिटोरियल आपको याद रखने हैं ठीक है। अमर एग्जैक्टली मेरे भाई, और आपको बता देंगे इसके अलावा, अगर आपको अभी बोलने जाएं, इसके अलावा जो दोस्त हमारे बुक या फिर टेस्ट सीरीज से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बुक और टेस्ट सीरीज की बात करें दोस्तों, तो ये आपका क्या है, ये बुक की किट है, आप देख सकते हो यहाँ पे अड्डा पे, ये बुक की किट है दोस्तों, ये आपके लिए यहाँ पे इंग्लिश और इसका एक हिंदी भी आता है, हिंदी में भी है, जो हमारे दोस्त, हिंदी का कोई मतलब नहीं SBI PO में यार, इंग्लिश बेहतर होगा ठीक है। यहां पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, ये आपका प्री का है ठीक है, और ये मेंस का है, आप कंप्लीट बुक किट है, ये भी देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो आप। पुरुषोत्तम सर क्लर्क का मेंस का कल चलेगा मेरे भाई, आज नहीं हो पाएगा, आज SBI का नोटिफिकेशन आ गया, तो इसीलिए हमने लगा कि आज पहले दिन से ही डिस्कस कर लें हम ठीक है, और उसके बाद से फिर हम लोग कल से फिर ताबड़तोड़ तरीके से बैटिंग स्टार्ट करेंगे एज इट इज, जैसा कि एज यूजुअल जैसा पहले हो रहा था, बस एक दिन का और है, कल हम आपसे स्टार्ट करेंगे सर। ओके नीलम मैम आपका स्वागत है बच्चे, एंड हाँ सुधीर भाई बोलिए प्लीज कोई क्वेश्चन। हैप्पी सॉल बोला था नीरज ने कौन से ब्रांड की जर्सी पहनी थी, वो भी याद करना पड़ेगा ठीक है। नहीं ऐसे वाली बात नहीं है, अब जर्सी वर्सी तो नहीं पूछना चाहिए, अब इतने भी बेकार नहीं होंगे लोग अपना इमेज क्रिएट करेंगे IBPS वाले या फिर SBI वाले जो भी है ठीक है। तो बसरते फिर भी आपको बस याद रखना है, अंकुश भाई क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही हैं, रात के कल 10 बजे से स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस आपकी, आज तो आपका था, तो अभी हम लोग के पास है 16 दिन का एक प्लान क्रिएट करते हैं हम लोग, एक तरीके से एक तरफ से स्टार्ट करते हैं, और कल हम रिवीजन लेके आ रहे हैं, मॉक वाले में क्या होता है, हम रिवीजन एक तरफ से लेके आएंगे आपके लास्ट 4 to 5 मंथ के जो भी होंगे उसका रिविजन लेके आ रहे हैं बच्चे, आपका रिविजन में इंटू से कह सकते हो आप दोस्तों, ऐसे क्या रिविजन में आपका हम पूरा एक तरफ से बेसिक स्टार्ट करेंगे, पूरा करंट अफेयर और बैंकिंग जो भी न्यूज मिलेगा, करंट बैंकिंग सब, तो एक तरफ तक लेके आएंगे, उससे क्या होगा ना कि आपका पूरा अपडेट हो जाएगा, पूरी कथा सुनाएंगे, पूरा राम कहानी, क्योंकि अब इसके बाद रिस्क नहीं लेना RRB क्लर्क के लिए ठीक है। इस बार हम लोग अच्छे से अपडेट करना है, एनी हाउ अच्छे से अपडेट करना है, क्योंकि ये ना कहने को मिले कि सर आपने जो पढ़ाया था वहां से केवल 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन में फंसे, ऐसा हो कि एटलीस्ट 50% तो आए, एटलीस्ट हमने बोला कम से कम ठीक है।
सो गाइस ये आपके बुक के लिए है और आपका डेडिकेटेड बैचेस जो है आपको यहाँ पे देख सकते हो, ये बैचेस है और ये दूसरा बैच आएगा, इसमें दो बैचेस होंगे और ये बैंक महापैक वाला तो आपको पता ही होगा, सब सर लोगों ने बताया ही है, आपको याद रखना है, यहां से आप फॉलो कर सकते हो दोस्तों। ये डेडिकेटेड बैच है जो अभी से स्टार्ट हो रहे हैं, इनफैक्ट कब से स्टार्ट हो रहा है आप देख सकते हो 15 अक्टूबर से, ठीक है। एंड गाइस ये आपके क्या है, ये आपके टेस्ट सीरीज है जो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा आपका और विथ वीडियो सॉल्यूशंस। सो गाइस आप इसको भी फॉलो कर सकते हो आपके जो एग्जाम्स हैं जिनके लिए, ठीक है। एग्जैक्टली विस इज श्योर श्योर श्योर, आप आओ पक्का। अब देखो शिवम भैया पूछ रहे हैं, शिवम भैया का नाम ही शिवम भैया है, अच्छा शिवम भैया पूछ रहे हैं पेपर कौन कौन लैंग्वेज में आता है। शिवम भाई पेपर आपके दो, देखो पीओ की बात करें तो पीओ आपका हिंदी, ठीक है, जो रीजनल है हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश इंग्लिश में ही होगा, आपको पता ही है ये चीज, क्योंकि इंग्लिश हमने इसलिए बोला इंग्लिश इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको इसमें ऐसे आएगा लिखने के लिए, और आपका जीडी होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, तो इसमें इंग्लिश में ही बोलना है, आपके हिंदी का कोई बड़ा रोल होगा नहीं इसमें मेरे भाई, ठीक है। सो दोस्तों याद रखना इसीलिए इंग्लिश इसके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट मेरे दोस्तों ये ध्यान रखना आप लोगों ने, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है एक सबसे बड़ी बात क्या, ठीक है, क्या कि भाई दूसरा चीज इसमें जो अभी क्लर्क आया तो क्लर्क में जो होगा आगे जो अभी आईपीएस क्लर्क आने वाला है, ठीक है, इसमें जो होंगे वो आपके टोटल 13 रीजनल लैंग्वेज में प्लस हिंदी और इंग्लिश, यानी टोटल 15 लैंग्वेजेस में आपके होने वाले हैं दोस्तों। ये आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की बात, आईबीपीएस क्लर्क की बात करें, प्रॉपर आईपीएस क्लर्क, तो ये आपका आएगा 15 लैंग्वेजेस में, तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये टेस्ट सीरीज है, आप टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर आपने तैयारी कर रखी है तो आप फोकस करो अपने ऊपर, किसके ऊपर, तो टेस्ट सीरीज के ऊपर। प्रीति मैम अभी जीडी के क्लास जस्ट पहुंच रहे हैं हम, जीडी वाले पे तब हम आपसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। हर्षा गोनीपति, हर्षा भाई आपको बहुत फ्री सोर्सेज मिल जाएंगे यार, इसमें कोई पूछने वाली बात ही नहीं है, आप सर्च करो यूट्यूब गूगल पर, आपको बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। और सुरेंद्र भाई आपको अगर हम बुक की बात करें तो बुक आप देख सकते हो, हम तो यहीं का बोलेंगे कि एस की बुक है, एस अड्डा जो एस पब्लिकेशन है उससे आप देख सकते हो, यहां पर देख लो आप, कब से होगा बैंकिंग, कल से होगा बैंकिंग एस्पिरेंट, कल से आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का जो हम लोग ने स्टार्ट किया, जो हम लोग ने आज का भी तो बहुत सारी चीजें हम लोग ऐसे आते रहेंगे, बस सत्य आज एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आया था दोस्तों, तो इसीलिए हमने आपसे डिस्कस किया। और गाइस आपको बता दें आपके कल से क्लासेस एज इट इज 10 PM पे स्टार्ट हो जाएंगी एज यूजुअल, किसको फोकस करके, आरआरबी क्लर्क मेंस को, आरआरबी क्लर्क मेंस को लेके फोकस करके स्टार्ट हो जाएंगी, और हम कल से लेके आ रहे हैं रिविजन सेशन, कौन सा सेशन, रिविजन 1 के नाम से दोस्तों, रिविजन 1 के नाम से आ रहा है आपका सेशन, तो कल से आप इसको ज्वाइन करो, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं हम लोग दोस्तों ताबड़तोड़ 15 तारीख तक बैक टू बैक जितने भी हो सकते हैं क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन 50-50 क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। VCBM पेड बैच स्टार्ट हो रहा है, चौहान नहीं देख रहे हैं, चौहान बेटा आपका कमेंट अभी आया, तभी तो देखा मैंने, अब जब आएगा तब तो देखेंगे, ठीक है। सो गाइस आज के लिए फिलहाल इतना ही, हम आपसे कल मिलेंगे। ओके सो गाइस आज के लिए फिलहाल इतना ही, हम लोग कल फिर मिलेंगे इसके लिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आप सभी अपना ख्याल रखना, और दोस्तों कल आपसे डेडिकेटेड तरीके से प्लीज आप सभी थोड़ा अपनी तैयारी को और अच्छा करने की कोशिश करो, क्योंकि अभी हम रिस्क नहीं ले सकते आरआरबी क्लर्क, जिनका आरआरबी क्लर्क है, ठीक है, क्लर्क मेंस है। तो गाइस आज के लिए फिलहाल इतने, बाय, टेक केयर, हर हर महादेव, और आपसे हम फिर से मिलेंगे कल रात के 10 बजे इसी जगह पर इसी चैनल पर। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर, हर हर महादेव, गुड नाइट, शुभरात्रि, सब्बा खैर, थैंक यू दोस्तों।